देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। सब्जियों की सप्लाई पर इस हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से देश भर की मंडियों में सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है, जिसका असर सब्जियों के दामों पर दिखने लगा है। मुंबई में सब्जियों के स्टॉक का हाल बुरा है। यहाँ सब्जी विक्रेताओं के पास सीमित स्टॉक होने की वजह से उन्हें मजबूरन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। 30-40% तो माल कम ही आए, मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आया। वही वो हड़ताल किया है ना वो लोग ने, पब्लिक ने, इसके लिए। हाँ, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल बहुत बड़ा, मतलब अभी रेट बढ़ गया है सबका ना, मतलब माल कम आया, क्वांटिटी कम आया, तो कस्टमर तो उतने ही आने वाले, तो रेट वही ना, रेट बढ़ गया उसके वजह से। लेकिन उतना फर्क नहीं रेट में पड़ा, लेकिन माल का क्वांटिटी कम है। हाँ, माल कम आया, बड़ा बड़ा ट्रक आया ही नहीं है, मतलब जो आता है छोटा छोटा गाड़ी में माल लेके आते वही लेके आए माल। अब इनका हड़ताल और भी लगा था दूसरा दिन है, इसका अभी सोचना मांगता है, लेकिन इसमें गाड़ी वाले का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई कुछ जानबूझ के भी करेगा तो भी गाड़ी वाले को ही मरने का है, और ऐसा भी किसका गलती निकलते, गाड़ी वाले का ही निकलते। आपको कहना कि सरकार इस कानून पे फिर विचार करे, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी बीच में है, भाग गया तो पब्लिक को ही, ड्राइवर को ही तकलीफ है। किसको ही मानता है क्या ड्राइवर का गलती नहीं है, गलती रहेगा नहीं रहेगा तो भी ड्राइवर को ही पकड़ते। और महंगा होगा, और महंगा रेट में भी फर्क पड़ेंगे, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। मंडी में सब्जियों की कमी केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में होने लगी है। बीते 3 दिनों से किसी भी सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर ट्रक नहीं पहुंचे हैं। गाजियाबाद में भी विक्रेता इसी तरह परेशान हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक तो मंडी के अंदर सारी पूर्ति पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदी थी, क्योंकि सीजन चल रहा है, सब्जी सब आ रही है। लेकिन ये कल से जो ट्रकों की हड़ताल हुई है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बड़ी गाड़ियाँ कहीं से भी नहीं आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ तो एक दो चमक रही हैं तुम्हें, ये भी 3 दिन पहले लोड हुई हैं, 3 दिन पहले लोड हो रही थी, माल की उतर रही हैं, फिलहाल ताज़ी गाड़ी कोई मंडी में नहीं आ रही है, और धीरे धीरे मंडी के अंदर सब्जी की शॉर्ट होती जा रही है। यदि ये ट्रकों की हड़ताल पर सरकार ने जल्दी कोई चेते नहीं और इसको हड़ताल को नहीं खुलवाया तो ये जनता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा, क्योंकि सब्जी के बिना और राशन के बिना काम नहीं चलता। बात करें सब्जियों की, तो आज सब्जियों के दाम कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं? सब्जियों के दाम, जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है, जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ेंगे ही। कुछ सब्जी खत्म हो चुकी है मंडी के अंदर जो बाहर से सब्जी आने वाली है, जो लोकल सब्जी है जिन्हें किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रैक्टर द्वारा या किसी को अपने टेम्पो के द्वारा भेज देता है तो वो तो आ रही है, लेकिन जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो कोई नहीं आ रही। सब्जी विक्रेताओं ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है, क्योंकि अगर ट्रकों और ड्राइवरों की ये हड़ताल ऐसी ही चली तो 1-2 दिनों में ही सब्जियों के बढ़ते दामों और उनकी कमी की वजह से स्थिति काफी चिंताजनक हो जाएगी।